मेरा नसीब अच्छा है कि ऐसे लोग है जिन्होंने मुझे आज बुलाया और ये रजिस्टर किया कि ये सचमुच में कॉमेडियन है। बाकी कोई नहीं कहता। मैं बचपन में छोटा था, इतना सा 10-12 साल का, तो कुछ न कुछ करता रहता था। मुझे एक्टिंग और पिक्चर देखना बहुत पसंद था, नाटक भी देखता था मैं। तो मैं ज्यादा कुछ नाटक के बारे में और पिक्चर के बारे में बात करे तो मेरा बाप लाख मारता था, एक लाख ऐसा फटाक थे। आज तो एक पढ़ गई, अब पता नहीं क्या करेगा आगे, समझ में नहीं आता है। उस जमाने में 5 आना टिकट थी, तो ब्लैक वाले जो लोग होते हैं ना, 5 आने का टिकट 1 रुपए में। तो मेरे को ब्लैक वाला फ्री में दे देता था। बोले क्यों फ्री में देता है? बोले तो 2-2 दिन से इधर आता है, खड़ा रहता है, टिकट भी नहीं खरीदता। मैं क्या पैसा है नहीं तो खरीदेगा कैसे? तो मेरे को फ्री में दे देता था, जा अंदर जाके देख पिक्चर। और मुझे, मैं पिक्चर देखता था और उसमें से किसी एक एक्टर के डायलॉग, वो जमाने में डायलॉग की किताबें बिकती थी थिएटर रूम में, तो वो मैं ले लेता था कुछ भी करके, और घर पे आके रिहर्सल करता था अकेले में। तो एक ही डायलॉग सब आर्टिस्टों को दिया जाए कि एक डायलॉग, अगर तुम वहां नहीं थे तो तुमको कैसे पता चला कि मेरी बिंदु को क्या हुआ है, कि मेरी मधु को क्या हुआ? ये मैंने बोला। अब दूसरा आएगा तो मधु को क्या हुआ है, हैं? कुछ समझ में आए? नहीं नहीं, ये सबके अपनी अपनी स्टाइल होती है। तो ये डायलॉग अगर 2-3 एक्टरों को दिया जाए तो वो कैसे बोलेंगे? राधा कृष्ण जी, असली ही तो सिर्फ भगवान के दिए में ही जलता है, बाकी सब डालता ही होता है बेटा तेरी तरह। राधा कृष्ण जी, तेरी बात कैसे करता है? मेरी बात करना है तो अभी यही डायलॉग दिलीप कुमार को दिया जाए तो कैसे? कि अगर आप वहां नहीं थे तो आपको कैसे पता चला कि मेरी बिंदु को क्या हुआ है? अगर आप वहां नहीं थे तो आपको कैसे पता चला है कि मेरी मधु को क्या हुआ? अब यही डायलॉग राज कपूर कैसे बोलेगा? कैसी अनहोनी शादी हमारी, साज है न शहनाई, यहाँ तो दूल्हा को दुल्हन को सजा रहा। अगर आप वहां नहीं थे तो आपको कैसे पता चला कि मेरी बिंदु को क्या हुआ है? कैसे पता चला कि मेरी बिंदु को क्या हुआ है? अब यही जॉनी वॉकर को दिया जाए तो कैसे करेगा? <आगे। laughs>
तुम यहाँ नहीं थे तो तुमको कैसे पता चला कि मेरी बिंदु को क्या हुआ है? यही बल्ला स्वामी को दिया जाए। तुम्हारे समझौते की बात कर रहा हूँ। अगर तुम वहां नहीं थे तो तुमको कैसे पता चला कि मेरी बिंदु को क्या हुआ? ओम प्रकाश जी, जय हो भगवंती। तुम कहाँ गई थी? तुम गई और मैं भी गया इधर ढूंढने के लिए, कोई दूसरी मिल गई तो ले आया घर में। अभी छोटे बच्चे, ऑब्जर्वेशन इज द बिगेस्ट स्कूल इन वर्ल्ड फॉर एक्टिंग। एक आदमी ऐसे चलता है और दूसरा ऐसे चलता है। ये सब कैरेक्टर करने के लिए काम आते हैं सर। उसको लगाओ किसी कैरेक्टर में तो काम आएगा। इसको मैं एक स्कूल में गया था तो छोटे बच्चे बैठे थे, उसमें एक लड़का मेरी नजर में आ गया। वो नीचे बैठा था फिर भी चड्डी पकड़ के बैठा था। और हंसता था कैसे? नीचे बैठा हुआ है, चड्डी पकड़ के बैठा है। तो मैंने एक आइटम की, दो आइटम की, वो हंस रहे मेरे को बोलता है, तुम नीचे बैठे के बैठ के चड्डी क्यों पकड़ा है? कुछ नहीं है, ऐसे ही है, पकड़ के रखना अच्छा है ना, खो नहीं जाए इसके लिए। लेकिन क्यों पकड़ा है? नीचे उतर जाती है यार। तो फिर तेरी चड्डी नहीं है ये? नहीं, मेरे पिताजी की है चड्डी। तो तेरे पिताजी को बुलाओ, वो कैसे आएंगे, घर में एक ही चड्डी है। तो ये ऑब्जर्वेशन जो है इंसान को एक्टिंग करने के लिए काम आता है। बस स्टैंड पे पारसी बाबा खड़े थे, कितनी बार गिरू थे के माने छोड़ी नहीं, नहीं जवान उठाने खबर नहीं पाती है। મુરગી ની ટાંગ અલગ હોય થાય, કાગડો ખાય તું? હે, ટોપી તેરે બાપ કે પાસ? मेरा टोपी का टोक 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 कर रहे हाथ क्यों उलता है? हाथ क्यों उलता है? दिन में हिलता है, रात को बंद हो जाता है। मैंने खड़ा 6 नंबर का बस स्टैंड पे चर्च गेट पे खड़ा हूँ और सब आदमी लोग ग्रांट रोड के है। मेरे को जाने का है घर में, टाडेव 6 नंबर का बस जाता है, लेकिन कोई आता ही नहीं लाइन में। साला बस भी आती है कि नहीं आती है कुछ मालूम नहीं। हाँ बोला, लाइन में? हाँ, लाइन का आदमी लगता है।
नंबर का बस चाहिए मेरे को, छह नंबर का बस, छह नंबर का मेरे को भी, छह नंबर का बस चाहिए। 66 आ जाना है, 66 तो एक छक्का पकड़ के तुम उतर जाना, एक छक्का पकड़ के मैं क्या बात करता है, कलर में फर्क है। लेकिन नाक नक्शा कुछ मिलता जुलता है, क्या है क्या? मेरा मुंह तुम्हारे मुंह जैसा लगता है। अरे मेरे को क्या मालूम मेरे बाबा ने किधर किधर ओवरटाइम किया है। आज दिनेश भाई, हमने इतने मीटिंग्स किए, हर मीटिंग्स में हम लोग किसी ना किसी सीनियर को बुलाते थे और वो हमारे नए कलाकारों को काफ़ी कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करते थे, लेकिन जब से माम पैदा हुआ है मुझे नहीं लगता ऐसा गैदरिंग और ऐसा ज्ञान किसी को हमको मिला। थैंक यू सर, आपने हम कलाकारों का मान बढ़ाया। गॉड ब्लेस यू सर।